यार टिकटॉक वालों से सीखो, टिकटॉक वाले ऐसा धमाकेदार से फोन में वीडियो शूट करके एडिट करके, और मतलब हॉलीवुड वाले भी शर्मा जाए ऐसे वीडियो बना देते वो लोग, मतलब वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्लॉगिंग लाइफ हैक्स के बारे में। यस, आपने सही सुना। अगर आप अभी तक ऐसा सोच रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हो या व्लॉग नहीं कर पा रहे हो, तो आज से आप वो सोचना बंद कर दोगे। सच मतलब सच में आज से आप वो सोचना बंद कर दोगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, आपके मतलब साधारण से जीवन में ये वीडियो फिट बैठा, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अब वो शेयर करने का ज़माना चला गया जब आपने शेयर किया, लोगों ने देख के इग्नोर कर दिया। अभी लोगों को आप जबरदस्ती बोलिए भाई इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक है 2000 सब्सक्राइबर्स के, और हर दिन अब मेरा वीडियो आएगा तो देखने की कोशिश कर लेना। बस और क्या बोल सकता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला व्लॉगिंग हैक है वो है कैमरा। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास DSLR नहीं है, ये वाला कैमरा नहीं है, वो वाला कैमरा नहीं है, कैसे करेंगे मतलब शूट कैसे करेंगे भाई। तो भाई आप सबके पास होता है ये ऐसी चीज़ें जिसके अंदर सारी चीज़ें, तो इसके अंदर होता है कैमरा, इसके अंदर होता है कैमरा। मोबाइल फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा तगड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है आजकल के ज़माने में। कोई भी कैमरा ले लो, बड़े से बड़ा फ़ोन या छोटे से छोटा फ़ोन, मतलब उसका कैमरा तो काम करता ही है। बहुत बार ऐसे ही होता है कि मैं अपने फ़ोन के कैमरे से ही शूट करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब DSLR से ज़्यादा शूट करता हूँ, जब तक मैं घर पर बैठ के आराम से कोई वीडियो ना बना रहा हो तब तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने फ़ोन से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने फ़ोन से ही शूट करते हैं। जो मुझे मतलब मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा है, और अगर आप भी ऐसे व्लॉग्स देखते हो तो आपको भी पता होगा कि कौन कौन फ़ोन से वीडियो शूट करता है। तो आप नीचे कमेंट में बताना मुझे, और ताकि सबको सच में ऐसा लगे कि भाई फ़ोन से भी वीडियोज़ बना सकते हैं। बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो जो हमारा सेकेंड व्लॉगिंग हैक है वो है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी की बात जब आती है तो लोग बोलते हैं यार क्या हमें वो जेनरिक माइक ले लेना चाहिए जो अमेज़ॉन पे मिलता है, जो कि मैं बता देता हूँ। हाँ, ये है वो माइक, मेरे पास भी है वो, और बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोफोन्स आते हैं जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एक पर। उसको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप घर पे बैठे हो तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास अगर हेडफोन्स है तो इसका भी माइक्रोफोन बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यस, इसका माइक यही कहीं तो है, तो इसका माइक भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाहर आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऐसे डायरेक्ट आप हेडफोन्स लगा के माइक में डायरेक्ट बात कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। या अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर आपका फ़ोन का जो माइक है, आजकल ना हर एक फ़ोन में बहुत अच्छे अच्छे माइक्स हैं, और बड़े बड़े फ़ोन में तो दो दो तीन तीन माइक दे देते हैं, इस साइड के लिए एक अलग, आगे अलग, पीछे अलग। तो ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। बस कहीं अगर आप कहीं पे शूट करो, देखो वहाँ पे ज़्यादा हवा ना हो, घर पे शूट करो तो अपना फ़ैन बंद करो, जैसे अभी बंद कर दिया है मैंने, देखो कितना पसीना आ रहा है। अपने फ़ोन का पूरा इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर माइक भी है, कैमरा भी है, तो आपको दो चीज़ तो यहाँ पे मिल गई है। तो ऑडियो क्वालिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट तगड़ा है तो आपका वीडियो की आवाज़ लोग सुनने के लिए कान तेज़ करवा लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ब्लॉगिंग हैक है वो है कि आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो आपके फ़ोन में ही। आपको ना PC की ज़रूरत है, ना लैपटॉप की ज़रूरत है, ना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हो या आप किसी मतलब प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बना रहे हो, बहुत लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको मैंने अपने फ़ोन से ही शूट करके मैंने फ़ोन में ही एडिट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उस वीडियो को कैमरा से शूट करो, फिर उसको आपके PC पर ट्रांसफ़र करो। बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्लस फिर उसको आपको एडिट करो, एक्सपोर्ट करो, बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने फ़ोन में ही शूट कर लेता हूँ। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है पावर डायरेक्टर, फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा, तो उसका प्रो वर्जन खरीद सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो। तो वैसे उसमें आप वीडियोज़ एडिट भी कर सकते हो और बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हो। PC में आप जब वीडियो एडिट करते हो उसमें इतने ज़्यादा आपको इफेक्ट्स वगैरह नहीं मिलते, फ़ोन में इजीली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो फिर अभी आपको एक और चीज़ समझ में आ गई है कि आप वीडियोज़ भी फ़ोन में एडिट कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बार अपने DSLR के वीडियोज़ भी फ़ोन में ही एडिट करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, सच बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा जो फोर्थ व्लॉगिंग हैक है वो है मेक योर वीडियोज़ स्टेबल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है, आपको मोबाइल के लिए स्टेबलाइज़र खरीदना पड़ेगा, गिम्बल खरीदना पड़ेगा, या आपके कैमरा के लिए गिम्बल, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ छोटे मोटे ट्राइपॉड आते हैं,
तेरे से पोर्टेबल ऐसा कर दिया, इसको फोल्ड हो गया, ऐसे और फोल्ड हो गया, इसको बहुत कुछ हो जाता है, इसमें आपका फ़ोन लग जाता है, या जिस पर अभी मैंने ट्राईपोड में अपना कैमरा लगा रखा है, ये भी सस्ता वाला भी है, मेरे पास अच्छा वाला ट्राईपोड भी है जो मैं सिर्फ कहीं कहीं पर यूज़ करता हूँ, हर जगह पर यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन को कहीं भी रख सकते हो, स्टैंड पर, मतलब ऐसा कहीं पर ऐसा टेक के रख दिया, आपको बुक्स खड़े करके, बुक्स पर खड़ा करके रख दिया। यार टिकटॉक वालों से सीखो, टिकटॉक वाले ऐसे धमाकेदार से फ़ोन में वीडियो शूट करके एडिट करके, और वो मतलब हॉलीवुड वाले भी शर्मा जाए, ऐसे वीडियो बना देते वो लोग, मतलब तो मतलब बोल सकते हो, मतलब सोच सकते हो खुद ही, ठीक है। तो मतलब आपको फ़ोन आपको कहीं पे भी रख देना है, और मतलब क्या होता है जो स्टेबल फुटेज होती है ना, मतलब आप हाथ से शूट कर रहे हो ऐसा हिल रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फ़ोन की क्वालिटी कहीं कहीं पर मतलब मार खा जाती है, तो अगर आप उसको फ़ायदा उठा सकते हो, अगर आप वीडियो को कहीं पे रख दो, मतलब अपने फ़ोन को कहीं पे रख दो और फिर वीडियो शूट करो, तो भाई वहाँ पे जो मज़े है, जो स्टेबल शॉट के मज़े है, वो कहीं नहीं। तो फिर तो मिलते हैं 10 में से 10 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14 कि आपकी फुटेज स्टेबल होनी चाहिए, जिस तरह की से मैंने अभी रखा है, ऐसे एकदम अच्छे से प्यार से खड़ा है मेरा कैमरा, उसके आगे मैं बड़े बड़े, अगर सोचो ऐसा ऐसा हिलते हिलते ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है, तो कैसे ऐसा लग रहा है ट्रेन में चल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश करो कि वीडियो आए आपकी स्टेबल। तो जो हमारा पांचवा व्लॉगिंग हैक है वो है, आपको मतलब लाइटिंग में थोड़ी सी ध्यान देना होगा, थोड़ा मतलब वो आपकी वीडियो को थोड़ा ऐसा अच्छा कर सकते, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। जैसे मैं अभी, अब मेरा विंडो है यहाँ पे, अभी मैं इसको खोल के बता दूँ आपको, इतनी ज़्यादा लाइट आपको नहीं चाहिए, तो इसको हम अभी बंद करेंगे। ये मेरा जो ग्लास है ये एक डिफ्यूज़र का काम कर रहा है। अगर यही चीज़ आप सुबह ऐसा मॉर्निंग में शूट करो तो तभी आप विंडो भी खोल के कर सकते हो। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे अगर यही चीज़ मैं कहीं और शूट कर रहा होता तो इतना मज़ा नहीं आता। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही है, पीछे थोड़ा डार्क हो गया है, मैं अच्छा सा लेट हो गया हूँ, यहाँ पे शेडो इफेक्ट आ रहा है, मैं थोड़ा पतला स्लिम ट्रिम लग रहा हूँ, एकदम हीरो जैसे, क्या बोलते हैं पब्लिक। तो लाइट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब जो एक साइड से थोड़ी सी लाइट आती है वो आपको ऐसे थोड़ा पतला भी करने में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना ज़रा, मैं ताकि उसको अगले वीडियो में सुधार सकूँ। लाइट पे आप ध्यान दीजिए, और अगर पीछे एक दो लाइट जल सकती है तो और मज़ा आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे वो मैंने लाइट अभी चालू की है और वो कैसे थोड़ा अभी अच्छा फील आ रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसी एक दो जगह पर और लाइट आ जाएगी तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। फिलहाल उसको बंद कर देता हूँ, लाइट में बहुत आ रहा है। तो मतलब अगर आप कुछ ऐसे अलग टाइप के वीडियोस बनाना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो आपकी फुटेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, तो आपको लाइटिंग पे भी ध्यान देना है, आगे से आपके ऊपर थोड़ी अच्छी लाइट हो, बैक लाइट, की लाइट, बहुत सारी लाइट होती है, आप इंटरनेट पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो। और मैं कपड़े तो अच्छे पहन के हीरो लग रहा हूँ ना मैं यार। तो ये था हमारा 5th व्लॉगिंग हैक कि आपको आपकी लाइटिंग पे थोड़ी सी ध्यान देनी, ज़्यादा नहीं, अंधेरे में भी लोग वीडियो बना लेते हैं, पर लाइट से क्या ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मतलब आपके फ़ोन को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वीडियो दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको क्या करना है आपको पता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।